हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद स्वाती। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नारियल की चटनी, जो बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर के साथ बनती है। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो चलिए चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक ताज़ा नारियल लिया है, बिल्कुल फ्रेश है। 2 छोटे चम्मच चने का दाल, 4 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च छोटे हैं। और तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच उड़द की दाल, आधा चम्मच सरसों के दाने, करी पत्ता और 2 लाल मिर्च। चटनी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इस तरह से ऊपरी परत हटा लें। ये पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, अगर आप चाहें तो इसके साथ भी चटनी बना सकते हैं। इस तरह से ऊपर का सारा लेयर हटा दे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। नारियल को छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो चटनी पीसने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने सारा नारियल काट लिया है छोटे टुकड़ों में। अब एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल गर्म करें और इसमें चना दाल रोस्ट करें। इसके साथ ही मैं हरी मिर्च और लहसुन को भी रोस्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ हरी मिर्च को तोड़ कर डाला है, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो हरी मिर्च कम डालें और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने दें। तो देखिए, अब चना दाल रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हल्का सा पानी डालकर 5 मिनट के लिए सोक करें तो चना दाल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम एक मिक्सर का जार लेकर इसे डाल लेंगे और साथ में नारियल को भी डाल लें। स्वाद के अनुसार नमक डालें, आप नमक चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए पेस्ट तैयार है और कितना सॉफ्ट स्मूथ है। अब इसे एक बाउल में निकाल लें और इसकी थिकनेस की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तड़का लगाने के लिए एक पैन गर्म करें और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। तेल गर्म होने के बाद इसमें सरसों के दाने डालें और साथ में उड़द की दाल और साबुत लाल मिर्च को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर ले और कुछ सेकंड के लिए सौटे कर ले। अब इसमें करी पत्ता ऐड करें और कुछ सेकंड के लिए इसे भी सौटे कर ले। तो तड़का अब रेडी हो गया है, फ्लेम को ऑफ करें और चटनी के ऊपर डालें। तो चटनी में तड़का लगाने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। तो चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसे सर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर लग रहा है। आप इसे इडली, डोसा किसी के भी साथ सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कुकिंग से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।